ऑस्ट्रेलिया के विस्तार के बीच इन दिनों इसके भविष्य और असर को लेकर जोरदार बहस चल रही है कि क्या इसकी वजह से परंपरागत माध्यम सिमट जाएंगे। चर्चा इस बात की भी है कि क्या आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नया मीडिया जीत हार में भूमिका निभाने लायक हो गया है। क्या भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में सोशल मीडिया राजनैतिक रूप से भी असरदार साबित होगा। Recently, a study has been conducted by the Internet and Mobile Association of India along with another organization. They have looked at the relationship between Lok Sabha elections and social media. They've actually found out that out of 543 seats in the Lok Sabha, 160 seats in the Lok Sabha are going to be directly impacted by social media. Media jagat ke purane khiladi ho, sarkar ho ya rajnaitik dal, sabko social media ki taqat ka andaaza ho gaya hai. फेसबुक, ट्विटर और वेबसाइट्स के जरिए हर क्षेत्र के लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। हालांकि विभिन्न राजनीतिक दलों की इस पर राय जुदा तो है ही, एक दल के भीतर भी नेताओं की राय अलग अलग है। जिस तरह मीडिया का असर 542 सीट पे है, तो सोशल मीडिया को भी अंडरएस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। उसका भी एक असर है और उसको उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ रही है। जो नौजवान है वो ज्यादा जुड़े हुए हैं उससे, और हर मेरे ख्याल से जो कॉलेज में भी पढ़ता है उसके पास भी मोबाइल है और मोबाइल में वो एप्लीकेशंस है, तो वो उसका ईमेल के जरिए भी फायदा उठाता है, फेसबुक के जरिए भी, ट्विटर के जरिए भी। भूख से मरने वालों की चिंता नहीं है, पानी नहीं है, शुद्ध पेयजल नहीं है, कुपोषण से मर रहे हैं, गुजरात में भी मर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी मर रहे हैं, और उसकी चिंता नहीं है, लेकिन लोगों को हाईटेक होने की चिंता है। इस बात से शायद ही कोई असहमत हो कि जनता, खासकर युवा वर्ग, सोशल मीडिया से तेजी से जुड़ रहा है, लेकिन क्या मीडिया का ये माध्यम भारत जैसे देश में लोगों के विचारों को इस हद तक प्रभावित करने में कामयाब हो पाएगा कि वो जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल ही इसी लिहाज से तय करें, इस बात पर फिलहाल संदेह बना हुआ है। चुनाव में हार जीत तय करने को लेकर भले ही सोशल मीडिया का असर अभी तय न हो, लेकिन इतना जरूर है सरकार, राजनीति और समाज के अलग अलग तबकों से ज्यादा लोग सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं और समाज के एक खास तबके और साथ ही साथ सामाजिक ताने बाने पर इसका कुछ हद तक असर तो दिखाई देने ही लगा है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली।